मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस का। ये 44वीं बार यहाँ हो रहा है, इसके पहले 43 बार भारत के बाहर होता रहा है और मैनेजमेंट की जितनी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होती रहती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जब भारत में हो रहा है तो इसका श्रेय अरुणाचल प्रदेश को क्यों नहीं दिया जाए। इसलिए इंदिरा गांधी जो टेक्नोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी है उनको कहा गया कि आप अगर इसको होस्ट करिए, तैयार हो गए। तो मैं तो फाउंडर चांसलर हूँ शुरू से। अभी हमारे वर्तमान में डॉक्टर मार्कंडे राय साहब हैं जिनका भी आप इंटरव्यू लेंगे, वो चांसलर हैं। उन्होंने भी हामी भरी कि हाँ साहब, अच्छी बात है, हम विश्वविद्यालय इसको होस्ट करेगा और डेलीगेट को रहने का सारी सुविधा करेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हम जब पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं तो हम टॉपिक भी नॉर्थ ईस्ट का रखेंगे। ओके, नहीं तो हम रखते कि साहब भारत में विकास की संभावनाएं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसे। हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर राज्य, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या सब स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीका होगा, क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, इस पर बात की जाए। आज कम से कम 15 लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कहा कि भाई शिक्षा की जरूरत ज़्यादा है, किसी ने कहा कि बेरोजगारी दूर करनी होगी, कुछ लोगों ने कहा कि साहब कृषि में उत्पादकता लानी पड़ेगी, कुछ लोगों ने कहा कि हॉर्टिकल्चर बने उद्यानिकी वानिकी की पढ़ाई होगी, फॉरेस्ट्री की। इसी तरह से अलग अलग विचार आए कि साहब अगर आतंकवाद कहीं है किस राज्य में, वहाँ कैसे दूर होगा, उसके लिए हम क्या नया वातावरण तैयार करेंगे। तो मिला जुला करके हुआ कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो हम उद्यमी बनाएं, रोजगार सृजक बनाएं, जॉब गिवर बनाएं, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग अब देंगे तो खुद अगर रोजगार पैदा करेंगे तो 5 को नौकरी देंगे, 1 को नौकरी देंगे तो वही रह जाएंगे। इसीलिए हुआ कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा किया जाए ताकि वह बैंक से लोन लेकर के, भारत सरकार की हज़ारों योजनाएँ, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, केवल इच्छा शक्ति है कि आप आगे बढ़ें, तो बैंक वाला आपके घर पर दौड़ेगा। क्योंकि जीरो में या अरुणाचल के दूसरे राज्यों में या दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जिलों में इतनी संभावनाएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्रूट्स ऐसे तरह के हैं जिसका कि अगर हम प्रोसेसिंग करें तो 500% प्रॉफिट हो सकता है। कीवी का प्रोसेसिंग करें, कीवी अगर यहाँ से खरीद करके अगर जल्दी पहुँचा दें हम दिल्ली तो कम से कम भी तो 10 गुना रेट का अंतर है। यहाँ अगर मान लीजिए 30 रुपये है तो वहाँ पर 300 रुपये है, ये हो नहीं रहा है। और फिर जो यहाँ के युवा हैं वो समझते हैं कि साहब हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी में पैसा बहुत कम है। अगर मान लीजिए किसी को 25,000 मिला, उद्यमिता से, एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से वो 3,00,000 कमा सकता है महीना में। इस बात के लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, इसीलिए यह वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस किया गया है। जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, सभी को हमने बुलाया है, वाइस चांसलर को बुलाया है, रजिस्ट्रार को बुलाया है, प्रोफेसर्स को बुलाया है, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को बुलाया है। हमने यहाँ पर ईरा सिंघल हैं, IAS की टॉपर हैं वो, और 15 बैच की, अभी स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन में विद्वान आदमी हैं। उन्होंने काफ़ी विचार प्रकट किए कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी विचारधारा लाई जाए, मनोवृत्ति परिवर्तन किया जाए ताकि जो यहाँ के यंग बच्चे हैं वो कहें कि साहब हम चाहे दुनिया भर में काम करना हो, हम नाम कमाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, हमारा विश्वविद्यालय इसमें जी जान से लगा हुआ है, हमें लगता है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। हम बहुत सारे नए नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमारे वाइस चांसलर भी नए आए हैं, हमारे प्रो चांसलर भी हैं, चांसलर महोदय हैं, बाकी बहुत सारे स्टाफ बहाल हुए हैं, सैकड़ों स्टाफ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लैब्स हम बनाए हैं जो नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे पैथोलॉजिकल लैब हैं, एक ड्रॉप अगर खून देते हैं तो 200 तरह का टेस्ट आएगा। आप सुने नहीं होंगे, जीरो में कम से कम 10 तरह के टेस्ट के लिए तो 10,000 रुपये लेगा, हम लोग 500-600 रुपये में सारा टेस्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे विकास होगा जीरो का तो दुनिया में नाम होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जीरो जैसे छोटे शहर जो एक गाँव के समान है, इस पर एक किताब निकाले हैं 400 पेज का, दुनिया में पहली बार हुआ है, हर लोग परेशान है कि साहब कैसे बना। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश पर भी हमने किताब बनाया है, कितने ट्राइब हैं, कितने ज़िले हैं, कहाँ क्या कल्चर है, हेरिटेज है, क्या फ़ायदा है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, संभावनाएं क्या हैं, औद्योगिकरण की क्या समस्या है, कृषि की क्या समस्याएं हैं। तो हमें लगता है कि जल्द ही इन राज्यों का विकास होगा, इस तरह के कार्यक्रम को हम करते रहें तो।
धन्यवाद। तो सर आपका जब से ये एकदम से खुला है तब से आपका भी काफ़ी योगदान रहा, तो आप काफ़ी कुछ यही मतलब दिनों में देखने को मिल रहा है कि बहुत मतलब उतरा है ये मतलब। कारण ये है कि हम लोगों ने ऐसा है कि कहानी बताता हूँ, 2002 में मुकुट मिठी जब मुख्यमंत्री थे हमारे घर पे जाके उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, एक विश्वविद्यालय अरुणाचल यूनिवर्सिटी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है, तो हमारे बच्चों के लिए आप कुछ करिए। हम यहाँ आए, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, हुआ कि 2002 में ही 3 महीना के अंदर एक एक्ट बनेगा, खुलेगा, और कहा गया कि जीरो में 500 एकड़ ज़मीन होंग विलेज में जो हिलॉक है वो BMTT कमेटी हमें दान करेगी। कल हो के हमें मिल गया। अब क्या हुआ, उस समय यहाँ के MLA उतने शिक्षित नहीं थे, उनको पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी खुलती कैसे है, तो उन लोगों ने जब गया एक्ट पास होने तो झगड़ा हो गया आपस में। तो आप जानते हैं कि कोई एक्ट पास होता है हाथ उठा करके मेजॉरिटी वोट से, मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 60 सीट में 59 कांग्रेस था, आपस में ही झगड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी क्यों खुल रहा है, चांसलर बाहर का क्यों आएगा कि भीतर का आएगा। अंत में दोरजे खांडू ने कहा कि नहीं, हम एक्ट को वापस लेते हैं। टाइम 2012 में खुला, तब तक हमने सारा पैसा लगा दिया था नागालैंड में, फिर भी हमने जोड़ लगाया। इस बीच में हमारे बदले में कुछ लोगों को हमने बहाल जो किया, उन लोगों ने मेहनत नहीं किया, तो 5 साल हमारा बर्बाद हो गया। 13 से 17 बहुत स्लो प्रोग्रेस हुआ, उसके लिए जिम्मेवार वो लोग हैं जिनको हमने भेजा था, फिर हमने उनको हटाया। हमारे चांसलर बहाल हुए मार्कंडे साहब और बाकी उत्कर्ष शर्मा जी और सब लोग आए। हम लोगों ने बहुत पैसा लगाया, फिर दोबारा 18 में हम लोगों का बहुत पैसा लग गया। लगने के बाद आप देख रहे हैं कैसे चमक रहा है, तो अब ये स्पीड पकड़ चुका है। अभी इतनी ज़्यादा बातें होने वाली हैं कि उसको अभी माइक पर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जान जाएंगे तो फिर हो सकता है बाधा डालें, लेकिन जितना विकास होगा जीरो का यह सोचने के ऊपर है और समय बताएगा। मेरा नाम डॉक्टर मार्कंडे राय है, मैं अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हूँ, चांसलर जिसको कहते हैं। मुझे कई साल हो गए बाहर में यूनाइटेड नेशन में काम करने के बाद, जब भारत लौटे तो मुझे कुछ सेवा करने का मन था कि अपने देश लौट रहे हैं बहुत दिनों के बाहर रहने के बाद, तो देश में लौट करके कुछ सेवा करेंगे। हमको लगा कि ये पूरा क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट का, जो 8 राज्यों का है, ये इसमें विकास की बहुत संभावनाएँ हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज जो कहते हैं तो भरपूर है। मैं प्रकृति ने या भगवान जिसको कहें हर चीज़ें दी हैं, वैसे स्थिति में इनको केवल प्रबंधन माने मैनेजमेंट अगर ठीक से जान जाए कि कैसे इस संपदा को यूज करके अपनी विकास कर सकें, प्रगति कर सकें, इसीलिए इस विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा। विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ है, अच्छा काम कर रही है। आज कई लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की कि जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह की गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन की बात जो करें वो विश्वविद्यालय प्रमोट कर रही है इस क्षेत्र में, ये सब लोगों ने सराहा। आज ये विश्व मैनेजमेंट तो किसी भी चीज़ का प्रबंधन जो है जी अपने लाइफ से लेकर के पूरे समाज की जो भी संपदा है कैसे इसको हम लोग सतत विकास के लिए प्रयोग कर सकें, यही सिस्टम है। उसमें हम लोगों ने किया कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है, तो उसी पर चर्चा हो रही है कि इस क्षेत्र में हर चीज़ें हैं। प्रकृति की जब सब कुछ दिए हुए तो अगर थोड़ा शिक्षा अच्छी हो जाए, थोड़ा रोड या कम्युनिकेशन के साधन बन जाए, लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे अपनी चीज़ों को वो मैंने यूज करके अपने जीवन को के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है इसकी। और उसी के लिए हम लोग 2 दिन का ये अधिवेशन दिल्ली में न करके, दिल्ली में सब लोग करते रहते हैं, बड़े क्षेत्र शहरों में बहुत लोग करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात जीरो में करना चाहिए,
और यहीं पर जितने विद्वान हैं, जितने इधर यहाँ के जो एक्सपीरियंस हैं, अभी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इस क्षेत्र में काम किए हुए हैं लोग। इरा सिंघल भी आई हुई थी, वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन की, उनसे भी चर्चा हुई क्या क्या करना चाहिए, क्षेत्र क्या ज़रूरत है। तो उन मेन है कि यहाँ क्या ज़रूरत है, लोग क्या चाहते हैं, ये कोई पूछे तब ना। आज का समय जो हो गया है, किसी पर इम्पोज करने से बेहतर है कि युवा वर्ग से ही पूछा जाए कि युवा चाहता क्या है, न कि हम उसको ये करें कि ये करो वो करो, ये खाओ ये बैठो, ऐसे व्यवस्था करो, ऐसे लाइफ लिखो। नहीं, यूथ चाहता क्या है, यूथ चाहता है उसको हम लोग गाइड करें, एडवाइस करें, सपोर्ट करें, और तब ये देश बढ़ेगा। और जब आज तो भारत 75वां साल मना रहा है स्वतंत्रता का, अमृतकाल मना रहा है, आज वर्ल्ड फैमिली डे भी, इंटरनेशनल फैमिली डे है यूएन का, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, कैसे अरुणाचल प्रदेश विश्व की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, अपनी समस्या को तो मदद करेगा ही। इतना देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतना पहाड़ नदियाँ पानी और इतने प्रकृति, यहाँ एक से एक बने फल होते हैं, फूल की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत हैं, उससे बहुत से मेडिसिन्स की बात हो जाती है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन से लेकर नेचुरोपैथी से लेकर के आयुर्वेदा और योगा, वो कैसे यहाँ प्रमोट किया जा सके, लोग और स्वस्थ बन सकें, अच्छे उपचार हो सके उनके। इसी चलते हम लोगों ने वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस को जीरो में करने का ऐसा बहुत बड़ा मैसेज ये है कि यहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूज करके अपना विकास करें और देश का भी विकास करें, बल्कि अगल बगल के जो स्टेट हैं उनके साथ भी संपर्क अच्छा करें और कनेक्टिविटी बढ़ा करके। यूथ क्या चाहता है, यूथ चाहता है भागीदारी, यूथ चाहता है डिसीजन मेकिंग में अपना से यूथ को मिलना चाहिए, कि वो यूथ आज इंडिया युवाओं का देश है, अरुणाचल प्रदेश भी युवाओं का प्रदेश है। तो वैसी स्थिति में युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा माने हम लोग उपयोग करें अच्छे कामों में, उनको अच्छे दिशा में लगाएं। ये विश्वविद्यालय का काम है, ये शिक्षक का काम है कि उनको बताया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो युवाओं को गाइड करना हमारा काम है, लेकिन उनको निर्धारित करना होगा, उनसे पूछना होगा वो क्या चाहते हैं। ये बहुत कम होता है कि हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन यूथ से कभी पूछते नहीं कि आप क्या चाहते हो। आज समय आ गया है कि अब यूथ से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसा विश्व में देखना चाहते हो, भारत को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने प्रदेश में क्या होना चाहिए, और वहाँ के जो जीवन मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनका भी आदर करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। वहाँ की जो भी रीति रिवाज हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं उसमें, वो खुश हैं उनको मैंने उसका भी मैंने याद दिला रहा है, वो अगर अच्छाइयाँ हैं तो उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज ना की जाए, बल्कि उनकी भी भावनाओं का आदर करते हुए उनमें की कल्चर में, उनके रीति रिवाजों में, उनके रहन सहन में, उनके लाइफ स्टाइल में जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम लोग उनको बरकरार रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट, यूथ यही चाहता है कि हम जैसे जी रहे हैं उसमें हमको सुख है, हमारी अच्छाइयाँ हैं, तो हमको अगर जब तक लॉजिक से हमको न बताएं कि क्यों हम उसको छोड़ें, क्यों हम दूसरा चीज़ अडॉप्ट करें, क्यों दूसरी चीज़ खाएं, क्यों दूसरे तरह के रहन सहन पहनावा अपनाएं, जब तक कि हम लोग लॉजिक से नहीं समझाएंगे, जब तक तर्क से नहीं समझाएंगे कि अच्छा क्यों है, क्यों इस तरह का खाना खाना चाहिए, कपड़ा इस तरह क्यों पहनना चाहिए, क्यों ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तब तक यूथ आज एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे कि योगा की बात चल रही थी, योगा में पहले क्यों योगा पॉपुलर रहे था, इसलिए कि अब भाषण दीजिएगा कैसे उसे होगा, किसी को टाइम नहीं। यूथ एक्सपीरियंस करना चाहता है कि योगा से फ़ायदा क्या होगा, तो वैसे ही इन सब पढ़ाई से, ज्ञान से, ये सब कॉन्फ्रेंस से यूथ चाहता है क्यों करें, हमको फ़ायदा बताओ। ये उनका हक है कि आज की 21वीं शताब्दी में यूथ को पूरा हक है जानने का कि कोई काम करने के पहले हम तार्किक ढंग से उसको सोच लें कि हम क्यों करें इसको, करें तो फ़ायदा क्या है, क्या हमारे जीवन में क्या चेंज आ जाएगा, क्या अच्छा हो जाएगा। तो उनको जो जीवन के जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उसको एडुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा तो क्वालिटी एडुकेशन हो ही, उसके साथ साथ जीवन मूल्य में उसको अच्छा आदमी बनाने के लिए हो रहा है कि देखो अच्छा आदमी बन जाओगे और अच्छा आदमी बन जाओगे,
तो जरूर यूथ खुश होगा। हाँ, उसके लिए रोल मॉडल बना, शिक्षक को रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि हम देखो वही लाइफ जीते हैं। गांधी ने कहा ना कि माय लाइफ इज माय फिलॉसफी, और गांधी ने भी कहा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, जो भी परिवर्तन चाहते हैं वो खुद परिवर्तन करके अपने को देखें। तो हम लोग अपने जीवन को ही एक आदर्श जब बच्चों के सामने रखेंगे, युवा के सामने रखेंगे, तो युवा उसको फॉलो करेगा, महसूस करेगा कि हाँ बात सही है। हाँ, केवल कहेंगे और अपने नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। जी।